हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेयर आनन्द नर्सिंग बाइल टू डे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नर्सिंग केयर प्लान दैट इज सेल्फ केयर डेफिसिट एंड थ्रू दिस वीडियो यू लर्न दिस केयर प्लान वेरी बेरीजिली एंड दिस वीडियो हेल्प्स यू टू राइट द नर्सिंग केयर प्लान इन एग्जामिनेशन वर्क पर्पज़ और फॉर द असाइनमेंट वर्क परपज़ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप वीडियो के थ्रू नर्सिंग केयर प्लान को आसानी से लर्न कर सकते हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सेल्फ केयर डेफिसिट का नर्सिंग केयर प्लान बिफोर गोइंग टू नर्सिंग केयर प्लान वी जस्ट लाइक लाइक्सर द इंट्रोडक्शन द सेल्फ केयर डेफिसिट एयर सेल्फ केयर डेफिसिट मीन द पेशेंट इज लिमिटेड और डिसेबल्ड टू परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड देयर फॉर डिपेंडिंग ऑन अदर फॉर रूटीन एक्टिविटीज नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ नर्सिंग uh, केयर प्लान सेल्फ केयर डेफिजिट का के यहाँ पर हम डिफरेंट नर्सिंग केयर प्रोसेस स्टेप्स यूज करेंगे जिसमें नर्सिंग असमेंट डायग्नोसिस गोल प्लानिंग और इंटरवेंशन रिश्वनल इम्प्लीमेंटेशन एंड डवेल्यूशन तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट्स इज दैट आई एम अनेबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग And Objective data assess the patient's strength to accomplish activities of daily living, daily living determine the specific cause of each de deficit, example, uh, visual problem, weakness, cognitive impairment, etc. Next, assess mental health condition. After assessing these data, we write the nursing diagnosis. The nursing diagnosis of self-care deficit may be related to बॉडी इंजरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डिमेंसिया एंजाइटी, डिजनरेटिव बॉडी फंक्शंस लैक ऑफ इंटरेस्ट लैक ऑफ नॉलेज लैक ऑफ रिसोर्स एक्सेट्रा तो यहाँ पर हमको डायग्नोसिस में लिखना है हमने यहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव फैक्टर लिखे हैं तो इनमें से कोई भी एक फैक्टर लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं सेल्फ केयर डेपिसिट रिलेटेड टू तो बॉडी इंजरी स जब हमको तो डायग्नोसिस स्पेसिफिक है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं या सेल्फ केयर डेफिसिट में भी सॉरी सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू लेक ऑफ इंटरेस्ट या लेक ऑफ नॉलेज कुछ भी लिख सकते हैं मीस जो भी पेशेंट हमारा है उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं तो ये डायग्नोसिस गोल होगा द पेशेंट विल परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एज इंडिपेंडेंटली एज पॉसिबल तो ये गोल होगा प्लानिंग और इंटरवेंसन देखते हैं मीन्स हमको क्या प्लान करना है रेशन मीन्स स्पेसिफिक रीजन बी आई दिस इंटरवेंसन एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इट इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान मीन्स जो हमने प्ला, प्लान किया हम है नर्सिंग इंटरवेंसन वो हमको अप्लाई करने तो देखते हैं फर्स्ट ऑब्जर्व सेल्फ केयर एक्टिविटीज परफॉर्मेंस रेसनल प्रोवैडे बेस डाटा अबउट हाउ डिप्ट द पेशेंट इस हाउ मच हेल्प देशेंट नीड्स इंप्लीमेंटेशन का सेल्फ के ऐक्टिविटी पर्फॉर्मेन्स नंबर सेकेंड असैस द र रीजन फॉर देश इंपेर्ड सेल के रेस द रीजन फॉर् द डेफिशेंट सेफ कर् बिल द फौसन आफ द के प्ला नैक्स्ट इंप्लीमेंटेश दस इज द रीजन फॉर पेशेंट्स इम्पेयर्ड सेल्फ केयर नंबर थर्ड देखते हैं एनकरेज द पेशेंट टू बरवलाइज थॉट्स फियर एंड फ्रस्ट्रेशन रेशन होगा द पेशेंट माइड बी इन ए न्यू सिचुएशन और ए ऑरिजिनल कंडीशन दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट रेशन लोग इम्प्लीमेंटेशन होगा एनकरेज दंबर फोर्थ एनकरेज पेशेंट फॉर एक्टिविटी एक्टिविटीज ऑफ डीविंग एज डू एज पॉसिबल रेशन होगा पेशेंट कैन बिकम डिपेंडेंट ऑन केयर गिवर्स एंड सपोर्ट स्टाफ एंड शुड भी encourage to do uh, to carry out as much of uh, their self care as possible implementation encourage patient for activities of daily living number 5 involve family member and caregiver rational provide aid in activities Implementation involve family member and caregiver number 6 give positive reinforcement for all activities attempted rational positive reinforcement may promote ongoing efforts इम्प्लीमेंटेशन का पॉजिटिव रिंफोर्समेंट की नंबर सेवन एडवाइज पेशेंट टू टेक एडुकेट रेस्ट बिफोर ऐक्ट रेस रेस्ट पीरियड इंप्रूवस् पेशेंट एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन का एडवाइज पेशेंट नंबर रेंडर सुपरविजन फॉर एज ऐक्ट रेस देशेंट्स एबिटी टू पर्फॉम सेलफ कर्जर्स मे चेंज ऑफ अवर टाइम एंड विल नीड टू बी असस्ड रेगुलर्ली इंप्लीमेंटेश पेसेंट सूपरव फॉर द ऐक्टिव नंबर नईन Plan a regular routine and allow adequate time for the patient to complete activities. Resnoga and established routine become uh, uh, rote and require less effort. This helps the patient organize and carry out self-care skills. Implement or regular routines plan number 10. Advise patient to range of motion exercise if possible this provide strength implementation of patient advice for activities number 11 educate family and significant other to promote autonomy and to intervene if the patient become tired not capable of carrying out uh, the task or become extremely aggravated this display caring and concern but does not hinder, hinder with the patient's effort to attain autonomy इम्प्लीमेंटेशन होगा एजुकेशन गिवन नंबर टुवेल्व परफॉर्म सॉरी इनफॉर्म फैमिली मेंबर टू अलाउ द पेशेंट टू परफॉर्म सेल्फ केयर मेजर्स एज मच एज पॉसिबल रिशलुगा इंस्टिट्यूट फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड प्रमोट सेल्फ एस्टिमे एंड इम्प्रूव्स द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन गैमिल मर इनफॉर्म नंबर थर्टीन प्रमोट इंडिपेंडेंस बट इंटरवेनी वैन द पेसेंट इज़ नॉट एबल टू कैरी आउट सेल्फ केयर एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेशन होगा सॉरी रिश्नल होगा इसबल लेवल ऑफ असटिव केयर कैन अवॉइड हार्मिविटीज विदाउट कॉजिंग डिसअपॉइंटमेंट इंप्लीमेंटेशन होगा इंडिपेंडेंस प्रमोटेड नंबर फोर्टीन कंसिडर और यूज एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स रिजनल होगा दिस दिस सेव एनर्जी डिक्रीज फर्टिक एंड इम्प्रूव द पेशेंट्स कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट टास्क इंप्लीमेंटेशन होगा एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक यूज आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशन दिखते हैं हमको यहाँ पर लिखना है नो पेशेंट परफॉर्म एक्टिविटीज वेल देन बिफोर मीन जो हमारा गोल था देशेंट विल परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डीविंग एज इंडिपेंडेंटली एज पॉसिबल तो हमने हमारा गोल एव अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड कराए हैं और इस तरह से हम उनको इवेलुएसन में लिखेंगे जो भी हमने पेशेंट को इवेलुएट किया है तो इस तरह से हम यहाँ पर सेल्फ केयर डेफिसिट का नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा